कामना। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रीतम सिंह ने किया ध्वजारोहण, निष्ठा से काम करने के लिए शपथ। हरिद्वार में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी राजीव को किया गिरफ्तार, एसएसपी हरिद्वार ने किया खुलासा। मंगलौर जिले में बदहाल सड़कों में बने बड़े बड़े गड्ढे, अभी तक नहीं हो पा रही सुनवाई। नए साल का जश्न होगा दुगना, नए साल पर टेम्परेचर का टॉर्चर, पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फबारी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली एम्स में शिफ्ट होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एम्स में शिफ्ट होंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमित हुए थे सीएम त्रिवेंद्र। बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र के फेफड़ों में हल्का इंफेक्शन पाया गया है और सीएम के फिजिशियन ने बताया स्वास्थ्य सामान्य है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एम्स में शिफ्ट होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमित हुए थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र। सीएम त्रिवेंद्र के फेफड़ों में हल्का इंफेक्शन पाया गया है, सीएम के फिजिशियन ने बताया स्वास्थ्य सामान्य है। दिल्ली एम्स में शिफ्ट होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, 18 दिसंबर को संक्रमित हुए थे सीएम त्रिवेंद्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे साथ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं और दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे राजेश जी, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं सीएम के एम्स जाने को लेकर? बिल्कुल यशवी, मैं बता दूं कि हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की हालत में सुधार नहीं आया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल रात वो जो है देहरादून के दून अस्पताल में जो है एडमिट हुए, उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने, तमाम जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर की टीम है, उन्होंने एम्स के डॉक्टरों से वार्ता करी क्योंकि उनके जो फेफड़े हैं उनमें जो है इन्फेक्शन की समस्या जो है वो बताई गई है, जिसकी वजह से उनको लगातार बुखार हो रहा है, जिसकी वजह से वो परेशानी में बिताई, जिसके चलते डॉक्टरों ने सलाह ली है एम्स के डॉक्टरों से और कुछ टेस्ट जो है वो जो एम्स में होने हैं उनको लेकर के एक चर्चा की गई है, एक वार्ता की गई है और जिसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जिसके बाद वहां पर उनका ट्रीटमेंट होगा। कितना समय वहां पर लग पाएगा वो आने वाली परिस्थिति और आने वाले समय में डॉक्टर ही वहां के उसके बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल जानना चाहेंगे कि कब तक एम्स के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या इस पर कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, एम्स के लिए रवानगी जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तैयार होने वाली है, तो अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री किस समय यहां से निकल जाएंगे, लेकिन फिलहाल की बात करें तो जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल की जो अपडेट हम बताएं कि जिस तरीके से लगातार हमने बताया, जिस तरीके से जो समस्या है उनको लगातार बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है और फेफड़ों पे इंफेक्शन आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर बीमारी की चपेट में ना आ जाए, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग भी जो है कोई कोताही नहीं बरत रहा है, इसके चलते उन्होंने एम्स के डॉक्टरों से लगातार मॉनिटरिंग की है, इस विषय में बात की है और एम्स के डॉक्टरों से सलाह ली है और एम्स के डॉक्टरों ने उनको दिल्ली बुलाया है तत्काल, जिसकी वजह से उनको जितना जो तमाम उनके टेस्ट होने हैं वो वहां पर होंगे, उसके बाद आगे की क्या मॉनिटरिंग रहेगी, उनके इलाज को लेकर के किस तरीके की रणनीति जो डॉक्टर बनाएंगे वो अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल की बात करें तो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं इस समय गंभीर है और जिसको लेकर के तमाम डॉक्टर की टीम जो है वो लगातार उनकी देखभाल के लिए एम्स के लिए रवाना होगी। साथ हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, दिल्ली एम्स में कुछ ही देर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे, क्या कुछ वहां पर तैयारियां कर ली गई है, क्योंकि जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि उनके फेफड़े में हल्का इन्फेक्शन पाया गया है और स्थिति लेकिन सामान्य बताई जा रही है लेकिन आगे समस्या हो सकती है, इसको लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो अब तक सीएम यहाँ पे पहुंचे नहीं है, एम्स का नजारा है और यही एम्स हॉस्पिटल है और इसी का ट्रामा सेंटर है हमारे।
हमें तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो साफ तौर पे अब से कुछ देर बाद सीएम के आने की सूचना है। जो ऑफिशियल टाइम दिया गया था वो 12 बजे का दिया गया था कि 12 बजे तक दिल्ली एम्स के ट्रामा सेंटर में मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन अब तक आए नहीं है। सूत्र ये बता रहे हो कि दिल्ली लैंडिंग हो चुकी है और वो ऐसे में कभी भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे जो सरकारी तैयारियां होती है वो पूरी तरह से प्रोटोकॉल के तहत तैयारियां कर ली गई है। सीएम जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अभी जस्ट अगर हम बताएं तो सीएम यहाँ पे एम्स के ट्रामा सेंटर में पहुंच चुके हैं। जो डॉक्टर्स टीम वहां से आई है वो अपनी रिपोर्ट साथ में लेके आई है। जिस तरह से उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन था उसके बाद एहतियात के तौर पे यहाँ पे दिल्ली रेफर किया गया था और अब यहाँ पे भर्ती होंगे जहाँ पे ट्रामा सेंटर में उनका इलाज होगा। हालांकि पहले जो होम आइसोलेशन, क्योंकि कोरोना की जो प्रक्रिया होती है, जब कोरोना पॉजिटिव आते हैं नॉर्मली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, तो होम आइसोलेशन में ही जाता है और इसी क्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अब तक होम आइसोलेशन थे। जी जी, जब हल्का इन्फेक्शन उन्हें पता चला तब वो उत्तराखंड के हॉस्पिटल में दून में एडमिट हुए थे और उसके बाद और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ने की बात बताई गई है। हालांकि जो ऑफिशियल सूत्र है उनका कहना है कि तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, एहतियात के तौर पर एम्स में लाया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पे अगर दिल्ली एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है तो माना जा सकता है कि किस तरह से उन्हें मॉनिटरिंग की जरूरत है। और जाहिर तौर पे यहाँ पे जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया उसमें बेहतर मॉनिटरिंग की फैसिलिटी यहाँ पे है। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे एडमिट रहे हैं तो ऐसे में वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब डॉक्टर्स की टीम जो है न सिर्फ उनकी देख रेख करेगी बल्कि चेक करेगी कि आखिर इन्फेक्शन किस वजह से लगातार बढ़ रहा है। जी अमित, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले होम आइसोलेशन में थे और सूत्रों के बारे में भी जो खबर मिल रही है कि उनकी स्थिति अभी सामान्य है, ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, आपसे जानना चाहेंगे कि एम्स में जो डॉक्टर्स की टीम गठित की जाएगी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए, उसमें कितने डॉक्टर्स शामिल हो सकते हैं और ये डॉक्टर्स की जो टीम है वो कितनी विशेष है? देखिए जाहिर तौर पे जो भी देश के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, उस तरह की जो लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल टीम जो है वो हमेशा गठित की जाती है और यहाँ भी स्पेशल टीम ऑलरेडी बनी हुई है। अमित शाह के लिए भी स्पेशल टीम गठित की गई थी, सीएम के लिए भी स्पेशल टीम गठित की गई है क्योंकि रिसेंटली वो पहुंचे हैं। अब जांचों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अगर हम ट्रामा सेंटर की बात करें तो ये ट्रामा सेंटर बिल्डिंग जो है इस बिल्डिंग के पीछे ये नजारा यहाँ पे दिखाएंगे कि ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के पीछे जो है वो ट्रामा सेंटर बिल्डिंग है जहाँ पे मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। क्योंकि एम्स में की बात करें या सफदरजंग की बात करें यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ अमूमन देखने को मिलती है और ट्रामा सेंटर में विशेष कोविड केयर सेंटर बनाया गया है तो उस विशेष कोविड केयर सेंटर में यहाँ पे सीएम को भर्ती किया जाएगा। दूसरी बड़ी चीज कि चूंकि लगातार उनका वहां पे इलाज चल रहा था तो पहले वो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई, हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब जो डॉक्टर्स की टीम गठित की गई वो जांच करेगी क्योंकि अभी भी कोरोना की कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, कोई प्रॉपर दवा नहीं है। जिन कंपनियों ने चाहे फाइजर हो या मैड्रोना हो या तमाम कंपनियां भारत बायोटेक हो, जिन लोगों ने अप्लाई किया सरकार ने अब तक मंजूरी नहीं दी है। तो जाहिर तौर पर भारत में भी कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है। जिन दवाओं से लगातार इलाज किया जाता है उन्हीं थ्रू यहाँ पे एक बार फिर उन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत का न सिर्फ इलाज किया जाएगा बल्कि पहले जो इम्पोर्टेंट होता है कि जांच, उनकी जांच होगी और जांच के बाद जो है फिर डॉक्टर क्या कुछ एहतियात बरतने देते हैं, क्या कुछ दवाई यूज करते हैं वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल अमित, उम्मीद है कि जल्द ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वस्थ होकर वापस उत्तराखंड लौटेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रख लिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके फेफड़ों में हल्का इन्फेक्शन पाया गया है, इसलिए वो पहले तो दून हॉस्पिटल के जहां पर वो कुछ दिन भर्ती रहे उसके बाद वो एम्स के लिए रवाना हो चुके हैं। और जैसे कि अमित दुबे ने भी हमें बताया कि ट्रॉमा सेंटर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रोटोकॉल के तहत पूरी जो तैयारियां होती हैं सरकारी तैयारियां वो कर ली गई थी और एक अलग से विशेष टीम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए डॉक्टर्स की रखी गई है ताकि उनको बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके और उम्मीद है कि जल्द ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे। और अब आपको हरिद्वार से बड़ी खबर बता देते हैं जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में
पुलिस ने आरोपी राजीव को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने आरोपी राजीव के ऊपर 1,00,000 रुपए का इनाम रखा था। एसएसपी हरिद्वार ने इस बात का खुलासा किया है कि उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने राजीव को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और एक आरोपी की मांग लगातार ग्रामीणों द्वारा की जा रही थी। उनका कहना था कि जल्द से जल्द उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया था राजीव के ऊपर और पुलिस ने खुलासा करते हुए ये बात स्पष्ट कर दी है कि राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी राजीव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घोषित कर रखा था 1,00,000 रुपए का इनाम। और अब आपको बागेश्वर से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर कार खाई में गिर गई। हादसे में महिला की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर बागेश्वर से, हादसे में महिला की मौत हुई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कांडा के पास ये सड़क हादसा हुआ। पिथौरागढ़ से वापस जो लौट रहे थे लोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बागेश्वर से, जहां पर कार खाई में गिर गई। बता दें कि एक महिला की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ से वापस लौट रहे थे लोग और कार खाई में गिर गई। एक महिला की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बागेश्वर से आपको एक खबर बता रहे, जहां पर कार खाई में गिरी, हादसे में महिला की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे। कांडा के पास ये सड़क हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे, पिथौरागढ़ से वापस लौट रहे थे लोग। बागेश्वर से बड़ी खबर, जहां पर कार खाई में गिरी, हादसे में महिला की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे। कांडा के पास हुआ सड़क हादसा। पिथौरागढ़ से वापस लौट रहे थे लोग। बड़ी खबर बागेश्वर से, जहां पर कार खाई में गिरी और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे। बता दें कि पिथौरागढ़ से वापस लौट रहे थे ये लोग। कांडा के पास हुआ सड़क हादसा। पिथौरागढ़ से वापस लौट रहे थे लोग, कार गिरी खाई में, एक महिला की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब आपको लक्सर से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर 3 शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। प्राथमिक स्कूल में कार्य थे ये 3 शिक्षिकाएं। बड़ी खबर लक्सर से, 3 शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। प्राथमिक स्कूल में कार्यरत है शिक्षिकाएं। 2019 के यूटीईटी के प्रमाण पत्र उनके फर्जी पाए गए हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा की गई है प्रमाण पत्र की जांच। डीओ बेसिक ने 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। 3 अध्यापिकाओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। खानपुर विकास खंड में तैनात है ये 3 अध्यापिकाएं। बता दें कि इनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं और 3 अध्यापिकाओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। बता दें कि खानपुर विकास खंड में तैनात है ये 3 शिक्षिकाएं। बड़ी खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां पर 3 शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। प्राथमिक स्कूल में कार्यरत है ये 3 शिक्षिकाएं। 2019 के यूटीईटी के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा की गई प्रमाण पत्र की जांच। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया। बता दें आपको कि आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है, जिसके मौके पर प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा निकाली गई। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 136 वर्ष हो चुके हैं। वंदे मातरम गान के बाद प्रदेश अध्यक्ष का संबोधन हुआ। प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तमाम कार्यकर्ताओं ने निष्ठा से काम करने की शपथ ली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
देहरादून से कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मना रही है कांग्रेस। प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 136 वर्ष कांग्रेस के पूर्ण हो चुके हैं। तमाम कार्यकर्ताओं ने निष्ठा से काम करने की शपथ ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। तिरंगा यात्रा निकाली गई प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में और राष्ट्रगीत भी गाया गया। नए साल पर अब उत्तराखंड घूमने वालों के लिए जश्न दोगुना हो गया है। जी हां, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत में इस बार नए साल का टेम्परेचर का टॉर्चर और बढ़ने वाला है। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले दिनों में बर्फबारी का अनुमान है। इससे दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में पारा और गिरेगा। इस बीच रविवार रात को पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। मसूरी में देर रात को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे शहर में ठंड बढ़ गई। शहर में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हुई। शहर के लाल टिब्बा, माल रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में देर रात को जमकर बारिश हुई और फिर हल्की बर्फबारी भी पड़ी। हम पूरी फैमिली के साथ हरियाणा से आए हैं और यहाँ बहुत ही अच्छी कल बर्फबारी हुई है। सुबह बिल्कुल मौसम साफ था और अभी हम सुबह उठ के आए तो एकदम यहाँ सब कुछ सफेद हो रखा है। इतने ज्यादा हम मजे कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा न्यू एक्सपीरियंस है। पहली बार हमने बर्फबारी देखी, बहुत ही मजा आ रहा है। स्नोफॉल देखने को मिलेगी, हमने लाइफ में पहली बार देखी है ये सब। हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है और हम ऐसा दोबारा करना चाहेंगे एक्सपीरियंस। अपने दोस्तों को क्या मैसेज देंगे शिमला से? शिमला से हम उनके लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं हम उनके लिए, उनको भी लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, फ्रेंड्स के साथ आएंगे हम। शहर में इस वक्त भले ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, लेकिन यहाँ पहुंचे सैलानियों को बेहद सुंदर और मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज और कल पहाड़ी जिलों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि बर्फबारी की वजह से पहाड़ों में चट्टानें खिसक सकती हैं और रास्ता जाम हो सकता है। पहाड़ी जिलों के स्थानीय प्रशासन ने सैलानियों और सावधानी बरतने को कहा है। बता दें, मसूरी के आसपास नागटिब्बा, धनोल्टी और सुरकंडा की पहाड़ियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। वहीं चमोली जिले में औली की पहाड़ियों पर भी बर्फ की चादर मोटी हो गई है। इधर देहरादून समेत अन्य मैदानी इलाकों के तड़के झमाझम बारिश होने से तापमान ने गोता लगा लिया है। मौसम में आए बदलाव से पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड की चपेट में है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। लक्सर लुड़की हाईवे निर्माण में देरी से नाराज कांग्रेस सेवा दल ने कस्बे में जुलूस के रूप में प्रदेश और केंद्र सरकार भाजपा की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता कस्बे के रुड़की तिराहे पर इकट्ठा हुए। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि इस हाईवे पर रोज हजारों स्थानीय और बाहर के लोग यात्रा करते हैं। सेवा दल द्वारा 10 से अधिक बार शासन और प्रशासन को ज्ञापन भेजकर इसके निर्माण की मांग की जा चुकी है, पर संबंधित विभाग और सरकार के कान पर जू तक नहीं चले। अगर अब भी जनवरी माह के अंत तक सड़क निर्माण पूरा नहीं किया गया तो 31 जनवरी को अपने परिवार के साथ आत्मदाह करूंगा। नहीं निकाली है, लक्सर के अधिवक्ताओं ने, लक्सर के किसानों ने, लक्सर के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, लक्सर की जनता ने, लक्सर के प्रधानों ने ये भाजपा सरकार की सब यात्रा निकाली है। लक्सर रोड की रोड का निर्माण नहीं करा रहे हैं, क्या गलती हो गई लक्सर के लोगों से? अगर इन्होंने भाजपा के बक्से भर ही दिए, बटन दबा दिए और भारी प्रचंड बहुमत से, क्या क्या गलती हो गई उनसे? उनके स्वाभिमान को क्यों कुचला जा रहा है? चमोली के भ्रमण पर संस्कृत ग्राम रतूड़ा पहुंचे राज्य के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल गामा ने कृषकों समूह एवं क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को एक ही छतरी के नीचे लाभ मिलेगा। इस दौरान कृषि मंत्री ने रतूड़ा में रत्नेश्वर स्वायत्त सहकारिता के तत्वाधान में संचालित होने वाले ओपन पर्वतीय कृषि विद्यालय में भी प्रतिभाग किया। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। कृषकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले 3 सालों
में 100 से अधिक कृषक कल्याण योजनाएं शुरू की हैं। इसमें एकीकृत आदर्श ग्राम कृषि योजना भी शामिल है और उन्होंने कहा कि इस योजना में किसान समूह में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी व भेड़ बकरी पालन से जुड़कर अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। इसके लिए किसान समूहों को सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि यूनियन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर केंद्र सरकार से राज्य को 6 करोड़ का पुरस्कार प्रदान किया गया है। जैसे ही कृषकों के उत्थान के लिए इसे खर्च किया जाएगा। उसका मुख्य उद्देश्य है जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 1 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कि ताकि निवेशक किसी के क्षेत्र में अपना निवेश करें और किसान को सुविधाएं मिल सके। लालकुआ से दिल्ली के लिए पहली बार उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा यात्रियों के लिए लालकुआ से होकर दिल्ली जाने के लिए बस सेवा शुरू की गई है, जिसको लालकुआ विधायक नवीन दुमका ने हरी झंडी दिखाई और कहा कि सरकार से बात कर जनता की सेवा के लिए इस बस का शुभारंभ किया गया है और इसका लाभ सीधे यात्रियों को मिलेगा। इस बीच परिवहन निगम के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सुरपुर से लालकुआ, लालकुआ से दिल्ली, मुरादाबाद होते हुए हापुड़ होते हुए और उधर से फिर दिल्ली से सुबह 8 बजे यहाँ से चलेगी और 8 बजे ही दिल्ली से चलेगी। किस तरीके से लाभ मिलेगा जनता को उसका? जनता को पूरा लाभ मिलेगा, अगर सवारी हमारा सहयोग करेंगे, आप लोग सहयोग करोगे तो गाड़ी सक्सेस हो जाएगी, 1-2 गाड़ी और देखेंगे अगर बाद में कोई ऐसी बात। जो संगठन है उसकी मांग थी कि लालकुआ से दिल्ली और देहरादून के लिए बस लाई जाए। अभी सत्र के बीच में मैंने माननीय यशपाल जी परिवहन मंत्री से आग्रह किया तो उन्होंने कहा दिल्ली की तत्काल चला देते हैं और देहरादून की कुछ रुके चला देंगे, क्योंकि देहरादून यहाँ से सुबह एक ट्रेन जाती है तो इसे दिल्ली की आज से प्रारंभ की गई है। जैसा अभी एआरएम साहब ने बताया कि 8 बजे यहाँ से भी चलेंगे, 8 बजे वहाँ से भी चलेंगे दिल्ली से। लक्सर क्षेत्र के एक छात्र को बैक पेपर दिलाने के नाम पर पैसे लेने और धोखाधड़ी कर उसके पंजीकरण पर दूसरे छात्र को परीक्षा दिलाने के मामले में पुलिस से कोर्ट के आदेश पर हर्ष विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज के प्रबंधक और तत्कालीन प्रचारक समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं लक्सर कोतवाल हेमेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही। डॉक्टर अब नरेश पाल ने 56(3) में अभियोग मुद्दा लगाया है कि उसके स्थान पर किसी दूसरे से कॉलेज वालों ने MA थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दिलाई है जबकि उसके द्वारा नहीं ली गई है। तो इस संबंध में थाना 156(3) के अंदर अभियोग दर्ज कराया गया है जिसकी विवेचना की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। रहने वाली नूतन बाजपुर से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस द्वारा रोकने के दौरान किसानों द्वारा ट्रैक्टर से पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में पुलिस ने करीब 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बीते दिन बाजपुर से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल के सदस्य मनजिंदर सिंह सिरसा और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह बड्डा के नेतृत्व में रवाना हुए थे, जहां किसानों को पुलिस ने दोराहा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया था, लेकिन किसान पुलिस द्वारा रोके जाने से आक्रोशित हो उठे जिसके चलते किसानों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से तोड़कर नष्ट कर दिया। किसानों द्वारा पुलिस के साथ की गई अभद्रता और सरकारी संपत्ति से की गई तोड़फोड़ सहित विभिन्न मामलों में पुलिस ने करीब 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जहां जहां भी जो अराजकता तत्व हैं जिन्होंने उस किसान जो उनकी रैली जा रही थी या जो भी उनका कार्यक्रम था उसको मिसगाइड करके या उसको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास जो कर रहे थे तो वो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, हम उनका अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद तदनुसार उसमें फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़
खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप करेक्ट होता है बाबूली, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक